निश्चित तौर पे, और जो भी सम्मान इस धरती पर बड़े से बड़े सम्मान देना चाहिए मिले, उस सम्मान में सबसे पहला हकदार जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी है। इसमें मैं निश्चित तौर पे हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे, राष्ट्रपति जी से लेकर प्रधानमंत्री जी तक, कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को निश्चित तौर पर उसको सम्मान दिया जाए। मंत्री को नुकसान होगा? नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बात है। जब NDA है तो निश्चित तौर पे आप सब समझ सकते हैं कि NDA का मतलब क्या है। NDA है तो गठबंधन है, और गठबंधन है तो जो भी सीट है उसको सहयोगी दलों में जिस आधार पे जिनका पास जितना वोट है उस आधार पे उनको वितरण होता है। और गठबंधन का रूप ही यही है कि गठबंधन हुआ तो मिल बांट के सब लोग चलेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो अगर NDA नहीं है तो उस जगह पे हम स्वतंत्र हैं और मजबूती से 24 जगह हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट भी रेडी है, और हम लोगों ने 2000 पंचायत चुनाव के समय ही हमने तैयारी किया है। हमारे पास 24 नाम रेडी है। जब भी अगर गठबंधन में मुझे लगता है प्लेटफॉर्म पे अभी क्लियर गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं हो रहा, लोग अपने अपने अनुकूल लोग बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो इनको जो समझ है जो जितनी समझदारी है उस अनुकूल लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब गठबंधन की बात होगा तो वहाँ पे गठबंधन होगा तो VIP पार्टी को भी जगह मिले, क्योंकि हम गठबंधन के सरकार में हैं। और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर सब पार्टी स्वतंत्र हैं 24 सीट लड़ने के लिए। उसमें क्या उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये कहाँ हम लोग सोचते हैं। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हम तो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे 2022 में भी उपचुनाव ये अपना MLC का चुनाव हो, या उपचुनाव हो, या 2024 में लोकसभा हो, या 2025 में विधानसभा हो। हर चुनाव के लिए बिहार में VIP पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है, स्वतंत्र है लड़ाई लड़ने के लिए। हम कभी भी अपनी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा लड़ाई है निषाद समाज को कल्याण कराना, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। इसके लिए हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी 165 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने जनाधार वहाँ पर बना रहे हैं। 11 मार्च 2 को झारखंड में भी पार्टी लॉन्च होगा, जुब्बा सैनी का शहादत दिवस हम झारखंड में इस साल मनाने के लिए जा रहे हैं 11 मार्च को, और पार्टी लॉन्च होगा। पार्टी संगठन पहले से ही काम वहाँ पे झारखंड में कर रहा है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पार्टी लॉन्च करके कार्यालय का ओपन करके प्रभारी नियुक्त करके और कुछ टीम लगा के झारखंड में भी 2024 की तैयारी हम लोग करेंगे। तो हमारा मार्च के बाद हम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लोकसभा तैयारी पे लग जाएंगे। तकरीबन 150 लोकसभा सीट का तैयारी पे हम लगेंगे। इस न्यूज़ के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।